हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट क्या था, क्या होता है, व्हाई न्यू जीएसटी सिस्टम इज मोर बेनिफिशियल देन ओल्ड सिस्टम। तो बस उस चीज को डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं नंबर्स के तहत। इंग्लिश में कितना भी बोलो, हिंदी में कितना भी समझाओ, ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा, लेकिन नंबर से बड़े आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो बस ओल्ड सिस्टम क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट किसको बोलते थे, और जीएसटी न्यू सिस्टम व्हाई इट इज सो बेनिफिशियल टू एवरीवन। पढ़ते हैं क्या था कैस्केडिंग इफेक्ट। पहला, ओल्ड सिस्टम समझना पड़ेगा तो ही तुम जीएसटी में आए हुए न्यू सिस्टम को अप्रिशिएट करोगे, अदरवाइज आपको कभी भी वो चीज अच्छी लगेगी नहीं, अगर आपको ओल्ड सिस्टम के लूपहोल्स नहीं मालूम है। तो पढ़ो ना मेरे साथ, एक टेबल क्या बनाया मैंने। तो कैस्केडिंग इफेक्ट ओल्ड सिस्टम क्या था, पर्टिकुलर्स में कॉस्ट को एक MW का मतलब समझ लो, पहले मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर लिखा हो, देन दिस इज होलसेलर टू रिटेलर एंड दिस इज रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर। क्या मैकेनिज्म होता है, जब ये सब लोगों के बीच में गुड्स, डीलर्स के बीच में गुड्स ट्रांसफर होते रहता है, तो ये कैसे वैल्यू में एडिशंस करते हैं। तो सपोज मैन्युफैक्चरर ने कोई एक गुड्स मैन्युफैक्चर किया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज से ₹100 टू हिम, दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरर। उसमें ऐड किया प्रॉफिट ऑफ 20% मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, तो 100 का 20% विल बिकम अलमोस्ट 20। तो मैन्युफैक्चरर ने सोचा इस प्रोडक्ट को मैं बेचूं 120 में, तो 120 में बेचने निकाला ही था, तो जीएसटी एक्ट आया और जीएसटी एक्ट ने क्या बोला, ये जो तू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया ना भाई, जीएसटी एप्लीकेबल है उसके ऊपर, भर जीएसटी। ये कोई रेट नहीं है जीएसटी का, मैंने जस्ट समझाने के लिए लिया हूं। तो सपोज जीएसटी का टैक्स रेट इज या एनी टैक्स रेट इज 10%, तो 120 का बंदे ने 10% चार्ज किया ₹12। तो फाइनली होलसेलर को ये प्रोडक्ट कितने में बेचा, तो 132 में बेचा। ये एक कॉलम आपको अच्छे से समझाए क्या, तो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार बोलू, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स बेचा, कौन सा गुड्स, बोलता है वो गुड्स, वो प्रोडक्ट जो उसने 100 में बनाया था, 20% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया अपना, बट ऑफकोर्स कॉस्ट के ऊपर ऐड करेगा ये 20, तो 120, फिर टैक्स ऐड किया 120 के ऊपर 12 आया, एंड फाइनली 132 में इसको बेचा। अगर इसको 132 में बेचा, इट मींस होलसेलर ने उसको 132 में खरीदा ना, 132 इज द कॉस्ट फॉर द होलसेलर। फिर होलसेलर ने रिटेलर को बेचने का है, तो होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, अगेन 20% मैंने कॉमन रखा, तो 132 का 20% विल बिकम 26, पॉइंट वाइज मैंने छोड़ दिया, तो विच कम्स टू 158। तो होलसेलर ने सोचा चल मैं इसको 158 में बेचता हूँ, अगेन जीएसटी आया, जीएसटी बोलता है ₹16 का टैक्स पे करना पड़ेगा, 158 का 10% अप्रोक्सीमेट 16 लिखा है राउंडिंग करते हुए। तो फाइनली फिर होलसेलर ने रिटेलर को कितने में बेचा प्रोडक्ट, 174 में बेचा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो आगे का जर्नी अभी तुम ही बोलो ना मेरे साथ। 174 की कॉस्ट बन गई किसको, किसके लिए, रिटेलर के लिए। तो रिटेलर ने अपना भी तो प्रॉफिट ऐड किया ₹35 का एट द रेट ऑफ 20%, तो वो उसकी सेल्स प्राइस होगी 209। फिर अगेन उसने टैक्स ऐड किया 20% एंड फाइनली उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा, 230 में बेचा। दिस वॉज द ओल्ड सिस्टम। कोई बोलेगा गलत क्या इसमें, क्या गलत है इसके अंदर, गलत कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, किसी ने भी कुछ गलत नहीं किया, किसी ने भी, सब सही जा रहा है। बट ये सालों से चल रहा था, बहुत सालों तक यही कुछ चल रहा था, और उनके इस गलत अंदाज की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा था। तो गवर्नमेंट कोई भी सिस्टम, कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट, कोई भी नोटिफिकेशन लेके आती है, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट खुद के फायदे के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए लेके आती है। गवर्नमेंट असेसिस टैक्स पेयर का भी बेनिफिट सोचती है। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी दिस वॉज द ओल्ड सिस्टम जो गवर्नमेंट के बेनिफिट में थी, फिर भी गवर्नमेंट ने इस चीज को हटाया। क्यों हटाया, क्योंकि ये गलत था, ये नाइंसाफी हो रही थी, किसके साथ, फाइनल कंज्यूमर के साथ, फाइनल कस्टमर के साथ। और एक बेनिफिशियल वाला पार्ट था गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के साइड पे, क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा एक्सेस रेवेन्यू मिल रहा था, जिस एक्सेस रेवेन्यू के लिए वो हकदार ही नहीं थे। वो टैक्स रेट चार्ज भले कर लेते 10%, बट एक्चुअल में कुछ ज्यादा टैक्स का अमाउंट कलेक्ट कर लेते बहुत सालों से। इसके लिए सिस्टम को निकालना पड़ा, उखाड़ के फेंकना पड़ा। क्या गलत था इसमें, सुनो सुनो फिर से अगेन, 100, 20, 120, ये तो क्लियर है, 12, 132, ये 132 इसने कॉस्ट पकड़ी, फिर इसने प्रॉफिट ऐड किया, फिर ये सेल्स 158 हो गया।
तो इसमें क्या होता था, ये जो होलसेलर ना 12 रुपीज का टैक्स भरता था, तो ITC भी तो क्लेम करता था ना, तो टैक्स पेमेंट पे ITC लेता था। तो एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 132 है, एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 132 है या 120 है, तो ओनली कॉस्ट इज 120। तो क्या कर रहा था ये, 132 की कॉस्ट पकड़ रहा था, 120 पकड़नी चाहिए थी 132, मतलब इसने 12 रुपए इसके टैक्स को भी कॉस्ट बोल दिया, और फिर टैक्स के ऊपर फिर से यहाँ पे टैक्स चार्ज किया, कॉस्ट के ऊपर तो किया ही, प्लस ये 12 रुपीज के ऊपर टैक्स चार्ज किया, तो गवर्नमेंट को और टोटल अमाउंट के ऊपर और एक्स्ट्रा टैक्स मिला। और तो गवर्नमेंट को अंडर कैस्केडिंग सिस्टम, ओल्ड सिस्टम जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट बोला जाता है, टैक्स के ऊपर भी टैक्स 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 मिलते जाता था। मतलब इधर अगर ये ट्रांजेक्शन ऐसे 10 डीलर के तहत कराऊ ना मैं, तो टैक्स के ऊपर टैक्स टैक्स करके गवर्नमेंट को प्रोडक्ट का प्राइस रखो साइड में, गवर्नमेंट को टैक्स के ऊपर टैक्स करके करके प्रोडक्ट से भी ज्यादा प्राइस का टैक्स मिल जाता। तो ये गलती थी कैस्केडिंग इफेक्ट के अंदर। तो न्यू सिस्टम कैसे लर्न करता है तो देखते चला, अगर ये टेबल अच्छे से समझ में आया, फिर से एक बार मैं बोल दूं, ये सीधा सीधा सब ऐड किया, इतना याद रखो अभी के लिए, ये 132, फिर ये 132 मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखी, सब 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 ऐड किया, फिर 174 यहाँ पे कॉस्ट लिखी, इस सब प्रोसेस में फाइनली गवर्नमेंट को रेवेन्यू कितना मिला, ये सब गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला 12, 16, 21, फाइनली 21 अगर ये सब लोग ITC क्लेम करेंगे तो गवर्नमेंट की जेब में, गवर्नमेंट के खजाने में 21 रुपए का टैक्स आउट ऑफ 100। अभी देखो एक्चुअल प्रोसेस क्या है, न्यू सिस्टम के अंदर आना मेरे साथ। तो न्यू सिस्टम में क्या हुआ, सेम पैटर्न सेम टेबल, इसको वैट सिस्टम बोला जाता है, मैं नाम भी बोलूंगा इसको, वैट का फुल फॉर्म समझ लो, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, विच सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय GST। देखो पहले सेम कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20%, सेल्स हो गया 120, टैक्स अगेन सेम 10%, 12 हो गया 130। कोई बोलेगा क्या क्या गलत है, सेम ही तो है सब, सुनना। फिर जाके होलसेलर जब रिटेलर को बेच रहा है ना गुड्स, तो उसने कॉस्ट देखो कितनी लिखी है, 132 पिछले वाले टेबल में थी, ओल्ड सिस्टम में थी, लेकिन अभी उसको कितना लिखने को बोला, ओनली 120, मतलब 12 रुपए अगर इसमें ऐड ही नहीं किया इधर एज अ कॉस्ट बोल के, तो बोलो उसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा, डबल टैक्सेशन नहीं होगा, गवर्नमेंट को डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं मिलेगा। तो इसको कॉस्ट सिर्फ अंडर वैट सिस्टम 120 लेने बोला, अभी इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 120 का 20%, 24, ओके ठीक है, तो ये 24 ऐड किया अपना प्रॉफिट, फिर ये 144 हो गया, फिर 144 के ऊपर टैक्स लगा इसने 10% का, फिर 158 हो गया, अभी आगे बोलो तुम बोलो 158 अगले वाले डीलर ने कॉस्ट पकड़नी चाहिए कि ओनली 154 पकड़ी है, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट, फिर इसके ऊपर सेल्स, फिर टैक्स, तो फाइनली गवर्नमेंट को टैक्स कितने का मिला, ओनली 17, पिछले सिस्टम में 21, लगभग 4 रुपीज कम हो गया आउट ऑफ 100। 4 रुपीज का रेवेन्यू, अगर 100 में से 4% का रेवेन्यू, तो महीने में करोड़ों का टर्नओवर, करोड़ों का टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, तो सोचो 4% का टैक्स उसमें से गवर्नमेंट ज्यादा कमा रही थी, फ्रॉम माय एग्जांपल, फ्रॉम बाय यूजिंग दिस टैक्स रेट, ओके। तो ये निकाल दिया गया वो इफेक्ट बाय वैट सिस्टम। फिर जैसे मैंने बोला इसको वैट ही नाम क्यों दिया था, वैल्यू एडेड सिस्टम क्यों बोलते इसको, क्योंकि जरा अगर सोच पा रहे हो इन डेप्थ जाके बताओ तो, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काम का नहीं, लेकिन ये मेरा तरीका है कि मैं हमेशा उस नाम के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। जरा देखो ना यहाँ पे, ये होलसेलर ने अपना प्रॉफिट कितना ऐड किया था, 24, अपना प्रॉफिट कितना ऐड किया था, 24, तो 24 इज द वैल्यू एडिशन फॉर होलसेलर। जरा मैं देखो, 24 का 10% कितना होता है, लगभग 2 रुपीज, 24 का टैक्स 10% 2 रुपीज होता है, 12 रुपीज का इसने टैक्स ऑलरेडी पे किया है, तो 12 रुपीज का टैक्स पे किया है आउट ऑफ 14, तो 2 रुपीज का एडिशनल टैक्स है। कैसा है, मैंने एक और अलग तरीके से बताया, दैट इज फ्रॉम 24 बताया मैंने ये चीज। 24 इज व्हाट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस व्हाट, द वैल्यू एडेड बाय नेक्स्ट डीलर, यानी होलसेलर ने वैल्यू कितनी ऐड की थी अपने से प्रॉफिट बोल के, 24, तो इस प्रॉफिट का भी 10% कितना आता है, बराबर उतना होता है जितना टैक्स में एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाट दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, अभी आगे का तुम सोचो, तुम लगा दो, इसने कितना वैल्यू ऐड किया, यानी प्रॉफिट कितना ऐड किया खुद का, 29, लगाओ 29 का 10%, लगभग 3 रुपीज आता है, 2.9 आता है, लेकिन 3 रुपीज, तो 3 रुपीज चेक करो यहाँ पे, 17 and 14 का डिफरेंस इज हाउ मच, 3 रुपीज का बराबर टैक्स में इंक्रीज हुआ है। तो जितना तुम वैल्यू में एडिशन करोगे, जितना तुम प्रॉफिट में एडिशन करोगे, उतना ही टैक्स हम बढ़ाएंगे। दिस इज द वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम, द सेम सिस्टम इज अडॉप्टेड बाय होम, GST टैक्सेशन सिस्टम। आई होप इट इज बेनिफिशियल टू यू to understand the concepts of calculation under GSTs. बस मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये इतना ही है, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, that's it for the day. Thanks to all of you.